हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कोणार्क टेंपल का मेरा थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको म्यूज़ियम के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट टू वीडियोस में बताया है कि ये 13वीं शताब्दी का है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ही खंडहर के रूप में ये बचा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ को सेव करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल के साथ में मिलके उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसको कि आर्क खेत्रा बोलते हैं। और आर्क खेत्रा जैसे ही आप एंटर करते हैं उसी साइड में पड़ता है, ये देखिए आर्क खेत्रा इसको बोलते हैं। आर्क का मतलब होता है सूर्य और खेत्रा मतलब मुझे मीनिंग नहीं एग्जैक्ट पता है, लेकिन आर्क खेत्रा ये म्यूज़ियम है और इसके अंदर उन्होंने सब चीज़ की रेप्लिका बनाई है। तो अगर आप कोणार्क जाते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे एक मूवी भी दिखाते हैं जो कि पूरा आपको कोणार्क टेंपल की इन्फॉर्मेशन देता है बहुत ही अच्छे से। और अगर आपके पास टाइम है और आप कोणार्क के आसपास ही रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज भी हैं, रूम्स भी हैं, आप उसमें रुक सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। तो हमारे पास टाइम नहीं था ज़्यादा, जैसे कि मैंने लास्ट टू वीडियोज़ दिखाए हैं, आप उनको ज़रूर चेकआउट करिएगा और फर्स्ट वाला जो गाइड टूर है उसको तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। आई बटन में और एंड स्क्रीन में दोनों जगह मैं लिंक दे रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से गार्डन में, चारों तरफ गार्डन है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रूम्स हैं, आप उनको वहाँ पे जाके रुक सकते हैं और अगर आप चाहें तो नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो म्यूज़िक शो होता है रात में जो है 7 बजे से लाइट एंड म्यूज़िक शो, वो भी देख सकते हैं और उसके बाद वहीं पे रुक सकते हैं होटल में, होटल मतलब कि जो गेस्ट हाउस हैं गवर्नमेंट के वहाँ पे। तो ये मतलब जैसे ही हम टिकट लेके निकलते हैं जाते हैं टूवर्ड्स कोणार्क टेम्पल, तो रास्ते में है ये। और देखिए सबसे पहले बाहर ही यहाँ पे शेर का रेप्लिका बना हुआ है। तो ये पूरा जो मतलब म्यूज़ियम है ना, ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं और जो मूवी है वो भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं वो। और मेरा वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ पाया क्योंकि मेरा सब कुछ डिस्चार्ज हो रहा था और मेरे पास टाइम भी कम था, मैं भागते दौड़ते ये वाला वीडियो बनाया था। और इसकी एंट्री भी 30 रुपीज़ की है, मतलब 30 रुपीज़ वर्थ है, आप 30 रुपीज़ में इस म्यूज़ियम में जाइए और बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, सब कुछ इतने अच्छे से दिखाया गया है, सब चीज़ का रिप्लिका है। नरसिंह देव प्रथम ने ये कोणार्क का मंदिर बनवाया था, उसकी पूरी कहानी है और जो वीडियो दिखाते हैं वो भी बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो इस जगह को आप बिल्कुल कभी भी मिस नहीं करिए, अगर आप कोणार्क जाते हैं तो म्यूज़ियम आर्क खेत्रा ज़रूर जाइए और इतना टाइम लेके जाइए कि आप 1-2 घंटे तो आराम से स्पेंड कर सकें। और ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर, एक एक चीज़ का रेप्लिका बनाया गया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग कोणार्क, क्योंकि एक ऐसा मतलब एग्जांपल है ना कलिंग उसका, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे मुझे पक्का पता है। तो पुरी के और सारे व्लॉग्स हैं उनको भी चेकआउट कर लीजिए। अगर आप पुरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपकी शायद कुछ मदद हो जाएगी। या कोई और अगर जाना चाहता है तो उनको दिखा दीजिए। तो और अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा। क्या होता है आप लोग वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक भी करिए, कॉमेंट करिए, मुझे पता तो चले कि किसने मेरे वीडियोज़ देखे हैं। तो बस यहाँ पर मैं इस वीडियो में सिर्फ यही बताने के लिए हूँ कि आप अगर कोणार्क में हैं, कोणार्क जा रहे हैं तो ये म्यूज़ियम मिस नहीं करिएगा क्योंकि वर्थ है। ज़्यादातर गवर्नमेंट की चीज़ें, हम गवर्नमेंट के म्यूज़ियम्स वगैरह उतने मतलब कुछ तो उतने अच्छे नहीं होते हैं जैसे कि हम लोग सोचते हैं अरे फालतू टाइम पास है, लेकिन ये टाइम पास नहीं है और 30 रुपये मतलब पैसा वसूल है फुल। मूवी इतने अच्छे से दिखाते हैं, पूरी थिएटर बनी हुई है बहुत ही अच्छे से, पूरा फुल AC है। अगर आप गर्मी में जाते हैं तो इसके अंदर जाके चिल कर सकते हैं और पूरा बाहर साइड में वॉशरूम्स बने हुए हैं, रेस्ट रूम्स बने हुए हैं, सब अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अंदर सारे मंदिरों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा मंदिर का रेप्लिका बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर देके जाइएगा, बिना लाइक दिए मत जाइएगा, और कमेंट करके फीडबैक भी दे दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए मेरी फोटो जो रेप्लिका है उसका। तो बस यही बताना था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हाँ, अगर कोई सिंगापुर जा रहा है तो उसको मेरे सिंगापुर की प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करिए और सिंगापुर के वीडियोज़ आप भी देख सकते हैं, घर बैठे बैठे सिंगापुर घूम लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।